दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह जाल भाई जीसीसी से ऑडियो सीरीज बार बार लेके आता रहता हूँ। और आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है बेटे, डीटीयू लीड के जो एप्लीकेशन फॉर्म है 24 जून से आ जाएंगे। ये लिंक है dtu.ac.in, यहाँ पर ऊपर ही लेटेस्ट न्यूज में ही आ जाएगा। अदरवाइज आप एडमिशन में जाएंगे, एडमिशन में आप यहाँ पे बीटेक लेटर एंट्री में आएंगे तो ये एक नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे डेट दी हुई थी जो बीटेक लेटर एंट्री की, बीटेक लेटर एंट्री की वो दी हुई थी 12 मई। ड्यू टू कोविड-19 कोरोना की वजह से सारी चीजें पोस्टपोन है। डीटीयू का, दिल्ली के बहुत सारे बच्चों का ये जब हरियाणा लीड का एग्जाम की मेरिट बेस पे होगा, डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे होगा, तो डीटीयू लीड का एग्जाम भी क्या परसेंटेज आधार पे होगा, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को, अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों को ये बताना चाह रहा हूं कि डीटीयू लीड का एग्जाम होगा, लेटर एंट्री का पेपर होगा, उसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 जून 2020 को भरे जाएंगे। जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे डीटीयू लीड के लिए तैयारी कर रहे थे वो अपना एकजुट हो जाओ, और जीसीसी भी डीटीयू लीड का ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं, जो जीसीसी के बच्चे थे या जो जीसीसी के बच्चे नहीं है, डीटीयू लीड का हम बैच जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। 25 जून से हमने टेंटेटिव, 24 जून से फॉर्म निकलेंगे, 25 जून से आपको बैच की टाइमिंग क्या है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपके घर पे क्लासेस होंगी, उसकी फीस सारी चीज आपके पास जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी। डीटीयू लीड का ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरा बड़ा ये अपडेट दे रहा हूं कि डीटीयू लीड के फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। जो भी निकल नहीं, मतलब 24 जून को आप फुलफिल कर पाएंगे, उसकी जो एड है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो डीटीयू लीड की, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज के न्यूज़पेपर में लेटर एंट्री एडमिशन 2020-21 है डीटीयू दिल्ली, डीटीयू इज गोइंग टू एडमिट इन सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक कोर्स अगेंस्ट द सीट लाइन वेकेंट आफ्टर अपग्रेडेशन। दोस्तों की अभी मान लो कई बच्चों को यह जानना है कि कंप्यूटर में सीट निकलेगी क्या, मैकेनिकल में सीट निकलेगी क्या, वो तो 24 तारीख को जैसे ही ब्राउचर, वैसे 24 को लिखा हुआ है, उसे एक दो दिन पहले ही आ जाएगा, हो सकता है 3 दिन के अंदर अंदर आ जाए, 20 तारीख को आ जाए, लेकिन 25 जून से हम इसके लिए बैच अनाउंस कर रहे हैं। और 45 दिन का वो क्रैश कोर्स बैच है बेटे, वो क्रैश कोर्स बैच है, हम 45 दिन में डीटीयू लीड की तैयारी करवा देंगे आपको, उसके नोट्स, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का कंटेंट कितने दिन में खत्म होगा, क्वांट का कंटेंट कितने दिन में खत्म होगा, मैथमेटिक्स का कंटेंट कितने दिन में खत्म होगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है हमारी तरफ से। बस डीटीयू के ब्राउचर के आते ही हम उसे लॉन्च कर देंगे दोस्तों सिलेबस के साथ, और आपको 45 दिन में हम तैयारी करवा पाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं कहना चाह रहा हूं, आपको इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है 24 तारीख को दिख जाएगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब मैं अगर डीटीयू की साइट पे जाता हूं तो डीटीयू की साइट पे यहां से मैंने कल ही ये देख लिया था कि ये जो लिंक है बीआर के बैचलर ऑफ डिजाइन के एडमिशन उन्होंने कर दिए हैं, जैसे पहले एमबीए के करे, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए करा, फिर बैचलर ऑफ डिजाइन का भी लिंक जो है वो आ गया है। इसका अगर मैं ब्राउचर आपको बताऊं फटाफट से, इसके ब्राउचर का लिंक अगर आपको दिखाऊं मैं, ये ब्राउचर खुल रहा है दोस्तों, ये जो भी बच्चे आर्किटेक्ट वाले हैं डिप्लोमा के, वो भी बी डिजाइन में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मीराबाई में आर्किटेक्ट है, क्योंकि आर्किटेक्ट वाले बच्चे कई जगह जो बीटेक करने के लिए जाते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होते, तो उन लोगों के लिए ये बी डिजाइन वाला कोर्स भी ठीक है, लेकिन जिसको बीटेक लेटर एंट्री सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, अभी आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे कि कितनी सीटें हैं, क्या कंप्यूटर में कितनी है, मैकेनिकल में कितनी है, तो इसमें बेटे साफ साफ लिखा हुआ है
कि जितना जो 19-20 का पहले अपग्रेडेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी डीटीयू में फर्स्ट ईयर में, मैंने क्या करा, लेकिन मुझे डीटीयू में रह के सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मेरे अंदर आईआईटी का कीड़ा था, मुझे आईआईटी ही चाहिए थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, मैं आईआईटी की तैयारी दोबारा करने लगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम डीटीयू की सीट को खाली मत छोड़ो, ठीक है। मैंने डीटीयू में रहते रहते आईआईटी की तैयारी करी, आईआईटी की तैयारी करते करते मुझे मेरा अगर एडमिशन किसी आईआईटी में हो गया या मैंने डीटीयू को लेफ्ट आउट कर दिया कि मुझे श्योर है कि मैं आईआईटी में जा सकता हूं, तो वो जो सीटें खाली हुई हैं या जो सीटें पहले से वैकेंट थी वो और जो खाली हुई हैं बाद में बच्चों पहले एडमिशन लेने के बाद में बच्चों ने छोड़ दी हैं या बाद में उनको काउंसलिंग में जेईई मेंस के थ्रू किसी आईआईटी में मिल गया था, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर उनमें से कोई भी रीजन है और वो सीट खाली हुई है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की सीट खाली हुई है, तो वो कंप्यूटर की सीट डायरेक्टली डिप्लोमा के विद्यार्थी को ना देके पहले इंटरनल अपग्रेडेशन होती है। इंटरनल मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी टॉपर स्टूडेंट हैं वो अपनी ब्रांच चेंज करना चाहें, जो जो सीट खाली है तो वो होगी, उसके बाद जो सीट खाली होंगी वो डिप्लोमा के विद्यार्थियों को दे दी जाती है। दोस्तों वो डिप्लोमा के पास, अभी आपको मैं अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो डीटीयू लीट में लास्ट 3 साल से सिर्फ मैथमेटिक्स आया है, उसमें क्वांट आता है, रीजनिंग आता है और मैथ आता है। उनका सिलेबस की अगर मैं बात करूं, अगर उसके सिलेबस को हल्का सा मैं आपको बताऊं कि उसके सिलेबस का कंटेंट क्या है, अगर ये कंटेंट सेम रहता है दोस्तों तो उसके सिलेबस का कंटेंट मैं अगर आपको दिखा रहा हूं यहां पर, अगर लास्ट ईयर का 2019 का 2019 लीड का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, मैथमेटिक्स है, क्वांट है, रीजनिंग है, नंबर ऑपरेशन, ऑपरेशन रेशियो, प्रोपोर्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, काउंटिंग, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, मैट्रिक्स। अगर मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा तो आपको और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा स्क्रीन पे, ये डीटीयू लीड का लास्ट ईयर का सिलेबस है। अगर ये सिलेबस ही रहता है तो हम 45 दिन में आपको ये सिलेबस की कोचिंग देंगे। अब पिछली बार एग्जाम में क्या क्या आया था आपको पता लग जाएगा। 45 दिन में आप डीटीयू लीट में जो भी आपका ड्रीम है कॉलेज और जो ब्रांच है वो आप ले सकते हैं दोस्तों, बड़े आराम से हम इस सिलेबस को खत्म करा देंगे। जीसीसी वाले बच्चों को भी अगर क्रैश कोर्स एनरोल करना है तो वो भी कर सकते हैं, और जो बाहर के बच्चे हैं वो भी इस क्रैश कोर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया गया है, लेकिन फोन नंबर में 20 तारीख को आपको इसका ब्राउचर और इसकी कंटेंट, फीस, सारी चीजें 20 जून को आपको बता दी जाएंगी। दोस्तों थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोनों हाथ जोड़ के सुबह उठ के परमात्मा से शक्ति मांगनी है और क्या बोलना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना है दोस्तों, जो इस लॉकडाउन में हमसे कम से कम फीस में जो बन पड़ेगा आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, आपके घर पे सेफ स्टडी कराएंगे। हमने पूरा का पूरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया है, आपको बेस्ट लीड की कोचिंग पिछले 10 साल से हम देते आए हैं, और इस बार भी हम अपनी पूरी इस लॉकडाउन में कम से कम फीस में ज्यादा से बढ़िया जो करा पाएंगे आपको देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।